Hey guys, I'm Professor Jitendra Vaghmare, your mathematics faculty, welcomes you all in this OSS education. First of all, I want to congratulate you that you have chosen engineering as a profession. And for that, you are going to be enrolled for an JEE examination. And for this JEE preparation, you are at the right place, that is OSS education. So, chaliye, ek baar fir se main aap sabhi ka OSS education mein hardik swagat karta hoon. तो अपन JEE एग्जामिनेशन लिख रहे तो सबसे पहले उस एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाकी लेक्चर्स अपने फिजिक्स केमिस्ट्री देख ही चुके होंगे, उसमें बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला होगा। एज दिस वन इज द मैथमेटिक्स, सो मैं मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो JEE ये टोटली 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ईच सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस मींस टोटल 75 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर द 4 मार्क्स, सो टोटल 100 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 100 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। एंड हियर ये जो मैथ सेक्शन है इसके बारे में अभी अपन इन डिटेल पढ़ते हैं कि ये 25 क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह से अपन अप्रोच करेंगे। ओके, सो मैथ्स अगर देखा जाए, मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री हर किसी में सबसे पहले तो ये कि 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल आते हैं 30 क्वेश्चंस। उन 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस में ये देखिए फिर भी बाइफर्केशन है 20 एंड 10, ठीक है। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ये है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ये 20 क्वेश्चंस है, इसमें एमसीक्यू भी है, तो अगर रॉन्ग होता है एक आध क्वेश्चन तो पेनल्टी है, दैट इज -1 मार्क। बट ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जहां पे आपको ऑप्शंस ही नहीं है, वहां का अगर एक आध भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है उसके लिए पेनल्टी कुछ भी नहीं है, एज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑप्शंस, ठीक है। और अपने पास एक और है इसमें फैसिलिटी कि 10 क्वेश्चंस है, इन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अपने को लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 30 में से आपको 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो अब ये 30 क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये तो अपन पढ़ने वाले हैं, बट कौन कौन से टॉपिक्स इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे ये अभी अपन देखते हैं। तो देखिए ये 30 क्वेश्चंस के लिए 30 टॉपिक्स पढ़ना है, बट अभी 25 क्वेश्चंस अपने को लिखने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही करके। ऐसा हो सकता है कि अपन टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, वहां से दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से कैसे आते हैं ये सबसे पहले अपन देखते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स में 30, इसमें सबसे पहले स्पेशल टॉपिक्स देखते हैं। स्पेशल टॉपिक्स जिससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन। नेक्स्ट है अपना फंक्शन, इसमें तीसरा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। फोर्थ स्टैटिस्टिक्स एंड फिफ्थ वन इज मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो ये सेट रिलेशन, फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, तो ये 5 टॉपिक अपने को एज ए स्पेशल टॉपिक्स करके पढ़ना है जो कि
5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको स्पेशल टॉपिक्स क्यों बोला गया है, इन ये टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ज्यादा अपने को टाइम नहीं लगने वाला है, काफी कम पढ़ना है, और अगर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज 5 क्वेश्चन और जिसमें बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में काफी कुछ कम पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पेशल टॉपिक्स करके बोला गया है, ऐसा कुछ फ्रेमिंग नहीं है JEE पॉइंट ऑफ व्यू उन NTA की तरफ से या फिर IITs की तरफ से कि ये स्पेशल टॉपिक्स है इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अपना मानना है कि कंपैरिजन में एज ए कंपैरेटिवली इन सारे टॉपिक्स में काफी कुछ कम पढ़ना है, इसीलिए अपन ये बोलेंगे स्पेशल टॉपिक्स। ओके, और जिसमें काफी ज्यादा वेटेज है, जैसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूं कि स्पेशल टॉपिक्स ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये हर बार इसी तरह से होगा ये जरूर नहीं है, ये मैं बता रहा हूं पिछले साल का मिस पिछले साल उससे पहले मतलब इस साल तक के जो JEE एग्जामिनेशन हो रही है उसका ट्रेंड देखते हुए ये अपन देख रहे हैं। ओके, तो इसमें अभी सेकंड अलजेब्रा, सेकंड आपको अलजेब्रा पढ़ना है, इस अलजेब्रा से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस 7 क्वेश्चन में अपने को 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, नेक्स्ट है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, एंड नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं जिससे 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 7 टॉपिक 7 क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 1 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर 1 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके ऊपर 1 क्वेश्चन, इसके ऊपर 1, यहां से 2 क्वेश्चन आ गए, टोटल तो अलजेब्राइक सेक्शन से 7 क्वेश्चन पूछे जाना है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए, मिस ऑन एन एवरेज अपन देख रहे कि 7 ही आएंगे। ठीक है, जिसके लिए अपन ये 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्पेशलिटी ये है इस अलजेब्रा सेक्शन की, ये जो 7 टॉपिक्स हैं ये टोटली इंडिपेंडेंट है, मिस जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट एक अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसमें आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी नहीं हुआ है मेरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आएगा करके, टोटली इंडिपेंडेंट, ये टोटली 7 टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है तो पढ़ने के लिए काफी आसान है। ठीक है, तो यही इसकी इस अलजेब्रा इस टॉपिक की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट, आप सभी का फेवरेट अभी तक क्या पढ़ चुके हो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यहां से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यह अभी आपको पता ही है, 10 स्टैंडर्ड तक के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 7 फंक्शंस आप देख चुके हो, उसका मीनिंग भी पता है, बट यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल तक के अपन पढ़ेंगे। ओके, और उसी के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री पे 3 क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक की स्पेशलिटी यह है कि ट्रिग्नोमेट्री ये भला ही यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बट देखिए ईच एंड एवरी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज होता है। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रहा वो तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन मानेंगे। समझ में आ रहा है, मींस ये ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है
बिकॉज इसका लिंक ईच एंड एवरी टॉपिक से रहेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि इससे तीन क्वेश्चन भी आते हैं, एक टॉपिक पढ़ने से तीन क्वेश्चन, मीन्स 4, 3, 12 मार्क्स के का ये टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है इसका वेटेज ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें उसके बाद रेशियो एंड आइडेंटिटीज, उसके बाद अपन रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड तक के ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, तब उतने इजी तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट जाहिर सी उसका हायर वर्जन रहेगा, दैट इज ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एंड नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। ओके, तो ये चार टॉपिक अपने को पढ़ना है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जहां से तीन क्वेश्चन पूछे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है वेक्टर एंड 2D। इससे बेसिकली दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे अपन, बेसिक्स, बाद में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, इस तरह से इतने आप टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे दो क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो अभी तक के अपन ने डिस्कस किया है 5 + 7 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 2 = 17 क्वेश्चंस इतने में से पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब देखिए डिफरेंशियल इस टॉपिक के ऊपर चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस इसके ऊपर चार क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके ऊपर पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं, इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी इस ये चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जब आप 10th में होंगे तो हमेशा 12th के मैथ्स के बारे में जानते होंगे, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये दो ही नाम आप जानते होंगे, अगर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आ गया इसका मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स आ गया। अब देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, बट डेफिनेटली डिफरेंशियल मींस डेरिवेटिव ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काफी समझने लायक भी, समझने के लिए काफी आसान वाला टॉपिक भी। नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, जो कि आप ऑलरेडी देख सुने होंगे आपने कि ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन काफी बड़े चैप्टर्स है, इसलिए इनको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते लोग, बट डेफिनेटली जिस तरह से अपन प्रिपरेशन करेंगे ऐसा एक भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट प्रोवाइडेड दैट जिस तरह से डेली यहाँ से आपको जो टास्क दिया जाएगा वो आप परफॉर्म करेंगे, मीन्स होमवर्क आप सॉल्व करेंगे और डेली का डेली आप प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें लिमिट कंटिन्यूटी देख चुके हैं, डेरिवेटिव इसका अप्लीकेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, नेक्स्ट अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि अपन इंटीग्रेशन के सहारे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से ये चार टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे जिससे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड टॉपिक है सर्कल, नेक्स्ट पैराबोला, पैराबोला इलिप्स, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा इस टॉपिक को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये टोटली कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए अलजेब्रा इस टॉपिक से, ये जो इससे पहले अलजेब्रा ये टॉपिक देखा है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें अपन 7 ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्पेशलिटी ये है कि ये जो 7 टॉपिक्स है ये इंडिपेंडेंट है, मींस इसका इसके साथ लिंकिंग काफी कम है। हालांकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन दोनों चैप्टर्स कंबाइन करके, दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज करके अपन सॉल्व करेंगे, बट ये इंडिपेंडेंट है, इसका दूसरे के साथ लिंकिंग काफी कम है। बट अगर ये अगर देखते अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखिए इसमें 5 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। मान के चलिए आपको हाइपरबोला का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन चारों टॉपिक्स का बेसिक पता होना जरूरी है, तब जाके अपन हाइपरबोला का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अपन हाइपरबोला का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। हाइपरबोला अगर सिंपल पढ़ते, ये चार टॉपिक नहीं पढ़ते, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपन गलती करेंगे। ठीक है मिस, ये ऐसा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आप 10th स्टैंडर्ड तक के कोनिक सेक्शन के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स एक मेक के ऊपर डिपेंडेंट है, मिस स्ट्रेट लाइन जब अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हाइपरबोला के लास्ट टॉपिक तक के एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है और रोज का रोज ही पढ़ना है, मींस क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स, हाँ सॉरी इट इज डिपेंडेंट टॉपिक है, एक मेक के ऊपर डिपेंडेंट है, एक मेक का लिंकिंग है, तो डेफिनेटली इलिप्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन इन सारे इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये JEE एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अपना सिलेबस हो गया, जिसमें स्पेशल टॉपिक्स ये 5 पढ़ेंगे, ये अलजेब्रा के 7 टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एक ही टॉपिक जिसमें अपन ये 4 सब टॉपिक, वेक्टर एंड 2D इसके अंदर ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे डिफरेंशियल कैलकुलस 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस 4 मार्क्स के लिए, तो इनके ये टॉपिक्स है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन जिसमें ये 5 टॉपिक अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स रिगार्डिंग JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अभी ये सिलेबस तो अपन पढ़ेंगे, बट इस सिलेबस को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट रहेंगी जो कि आप 10th स्टैंडर्ड लेवल तक के अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसके आगे मैं पढ़ाता हूं आपको बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये जो सेशन है, ये सेशन हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छे से, काफी अच्छे से आता हो, कुछ स्टूडेंट के लिए आता होगा लेकिन भूल चुके होंगे, कोई कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, हो भी सकता है। तो ये सारे लोग जिनको आता है वो लोग भी अच्छे से नोट डाउन करके और समझ कर लिखिए, जो लोग आता है लेकिन भूल चुके हैं वो भी लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, बिकॉज ये बेसिक्स अगर अपन अच्छे से पढ़ते तो आगे जो मैथमेटिक्स अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, तब वो समझने के लिए काफी आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए अपन जो बेसिक मैथमेटिक्स, ये जो टॉपिक है, ये आप अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब देखिए ये बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभी नेचुरल नंबर। अब देखिए अपने डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काफी सारे नंबर्स के साथ अपन डील करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कई और नंबर्स तो अपन हमेशा यूज करते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि काउंटिंग के पर्पज में आते हैं, हमेशा वो काउंटिंग के पर्पज में आएंगे, और वही नंबर्स को अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे काउंटिंग, काउंटिंग आपको अगर करनी है या तो आप अपसाइड करेंगे या फिर डाउनसाइड करेंगे, तो जो कुछ भी नंबर अपन काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अभी काउंटिंग के लिए कौन कौन से नंबर यूज किए जाते हैं, तो हमेशा ही काउंटिंग अपन वन से स्टार्ट करते हैं। सो अपन बोलेंगे कि नेचुरल नंबर बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर एन, और ये रहेंगे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट तक के। तो जो भी नंबर्स ऑन आवर डेली बेसिस या काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को अपन नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर ये एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इस नेचुरल नंबर को अपन ये I पॉजिटिव या फिर Z पॉजिटिव, ये नंबर इससे भी अपन इंडिकेट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को मैंने N से बोला है डिनोट करना, बट कभी कभी अपन I पॉजिटिव और Z पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, बट इससे भी अपन नेचुरल नंबर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में देखते हैं कि होल नंबर मीन्स जो भी नंबर्स काउंटिंग पर्पस यूज किए जाते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर्स, उन नेचुरल नंबर में अगर अपन जीरो मिलाते मीन्स द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो व्हिच वी कैन से दैट होल नंबर। तो होल नंबर ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर डिनोट किया जाएगा W के साथ, और इसके नंबर्स रहेंगे 0, 1, 2, 3, ये चलते जाएगा अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका होल नंबर। इस होल नंबर को अपन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। तो जैसे अपन इसके बाद इंटीजर्स पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स को अपन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक के अपन ने नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर में अपन ने देखा है कि जो नंबर्स काउंटिंग पर्पस यूज होते हैं उनको अपन नेचुरल नंबर बोला जाता है। होल नंबर्स ये नेचुरल नंबर प्लस जीरो के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको अपन होल नंबर्स बोला जाता है। वैसे ये इंटीजर नंबर्स उसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर भी अपन इंक्लूड करते हैं। तो जैसे इंटीजर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंटीजर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, और यहां पे नंबर्स रहेंगे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर दैट इज 1, 2, 3। देखिए, तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई, एंड ये सारे इतने सारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इंटीजर्स को हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जेड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसको इंटीजर्स को अपन एक अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैंने अगर 1, 2, 3 अगर बोला है, सिंपल 1, 2, 3 कंसिडर किया, वो भी इंटीजर ही है, बट वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाएगा। वो कैसे क्या कहा जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर बेटर है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं बोलूं तो 1, 2, 3। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो डेफिनेटली माइनस, ये जो माइनस वाले जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको अपन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन पॉजिटिव अगर मैं बोलू, नॉन पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, और अगर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर मैं कंसिडर करता हूं तो यहां से लेकर ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, इसके बाद अपन वन बाय वन देखते हैं, दैट इज सबसे पहले सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिनोटेड बाय आई पॉजिटिव, ठीक है, और ये रहेंगे 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आई नेगेटिव कंसिडर करूंगा और ये रहेंगे माइनस वाले सभी, माइनस वाले सभी, दैट इज माइनस 3, माइनस 2, सॉरी तो अपन इन्फिनेट लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाना पड़ेगा. That is minus 3, minus 2, minus 1. ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. उसके बाद आता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब देखिए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव को आप छोड़ दीजिए, बचेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट, ये हो गया. नेक्स्ट सेट ऑफ, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पे माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0 यहां तक क्या आएगा. अब देखिए आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है इसमें 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिट यहां तक की है, और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं होल नंबर्स, इसको इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं होल नंबर्स जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा W से, और ये भी वही है 0, 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसको बोला जाता है सेट ऑफ, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो होल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है I पॉजिटिव या फिर Z पॉजिटिव, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3. अब देखिए 1, 2, 3 मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाएगा, जो कि वही नंबर है और रिप्रेजेंट किया जाएगा I पॉजिटिव. और वही जैसे कि इंटीजर को अपन Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे Z पॉजिटिव इससे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड दिस वन इज द इंटीजर. नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन उसमें है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर. अब ये जो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, इसको स्पेसिफाई करने के लिए अपन जो बेसिक बेसिक्स इवन और ऑड डिफरेंशिएट करते हैं वही अपन फंडा यूज करेंगे. वो किस तरह से होता है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये टॉपिक के बाद डेफिनेटली अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं. तो अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी इंटीजर ही बोलेंगे अपन, बिकॉज ऑल द नंबर इज नथिंग बट इंटीजर, तो एक अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, ऑल द नंबर नहीं, अगर कोई भी इंटीजर अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर वो 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है तो डेफिनेटली अपन उसको इवन इंटीजर बोलेंगे. अगर कोई नंबर वो अगर 2 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है उसका, तो डेफिनेटली उसका उसको अपन ऑड इंटीजर बोलेंगे. तो इवन इंटीजर इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे अपन, द इंटीजर्स, द इंटीजर्स विच आर completely divisible by 2 called as even integer, called as even integer. इसके अगर example अगर देखते हैं तो देखिए 0 is even integer,
प्लस माइनस टू अगर कंसीडर करता हूं इट इज ऑल्सो इवन इंटीजर, प्लस माइनस फोर अगर करता हूं इट इज ऑल्सो इवन इंटीजर। इस तरह से काफी सारे एग्जांपल्स देंगे। ऑड इंटीजर इसकी डेफिनेशन अपन सेम ही लिखेंगे, मींस द इंटीजर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू कॉल्ड एज या नोन एज ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में अपन केवल नॉट ये वर्ड ऐड करेंगे इसमें, इसी डेफिनेशन में। इसका एग्जांपल्स अगर देखते हैं ऑड इंटीजर्स के, तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, दिस ऑल आर आर ऑड इंटीजर्स। क्लियर है? आगे अपन देखते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पे एक ही सेट में अपन तीन नंबर्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राइम नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर लेट पी बी ए नेचुरल नंबर। अगर मैं पी एक नेचुरल नंबर कंसिडर करता हूं, पी एक नेचुरल नंबर कंसिडर करता हूं, और देखिए इस पी नंबर को अगर मैं प्राइम नंबर कंसिडर करूंगा, तब जब ये नंबर कोई और नंबर से डिविजिबल ना होती है, उसके केवल दो ही फैक्टर्स रहेंगे, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। ये दो ही नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो ही अपन बोलेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है, बेसिकली इट इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो वन से और दूसरा वही नंबर इटसेल्फ। अगर केवल ये दो ही नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो उसे अपन प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर होता है टू, बाद में थ्री, बाद में फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, इस तरह से चलते जाएगा। ये काफी वन बाय वन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे के सारे प्राइम नंबर्स। अब देखिए अगर मैं टोटल 100 अगर नंबर कंसिडर करता हूं, 100, वो 100 में 25 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये स्पेशलिटी है कि पूरे प्राइम नंबर्स में दो, टू इज ए ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज ओनली ए इवन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर देखते हैं। तो देखिए ए नंबर या फिर टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज वन, अगर उन नंबर का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वन है, तो डेफिनेटली ऐसे नंबर्स को अपन प्राइम नंबर्स बोला जाएगा। जैसे टू थ्री हो गया, ये दो नंबर्स को प्राइम है, इन दोनों का एचसीएफ वन आएगा। नेक्स्ट थ्री कॉमा एट या फिर 3.10, ये भी नंबर्स अगर मैं कंसिडर करता हूं तो इनको अपन को प्राइम नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, इसके आगे ट्विन प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस अगर दो है, तो डेफिनेटली वैसे नंबर्स को बोला जाएगा ट्विन प्राइम नंबर, मींस ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू रहेगा। अब देखिए प्राइम नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे थ्री और फाइव ये दोनों प्राइम नंबर है और ये दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, टू, सो दैट्स वाई वी कैन सी दैट इट इज ए ट्विन प्राइम नंबर। 5-7 अदर एग्जांपल, इनके बीच में भी डिफरेंस टू है, 11 एंड 13, इन दोनों के डिफरेंस भी टू है, तो इनको बुलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, नेक्स्ट है अपना कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर मींस ऐसा नंबर जिसके एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नंबर जिसके एटलीस्ट थ्री फैक्टर रहेंगे, मींस कम से कम अगर उसके थ्री फैक्टर्स आते हैं तो उस नंबर को अपन
कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। जैसे अगर देखा जाए वन, एक वन के अगर अपन फैक्टर्स देखते तो उसके फैक्टर्स केवल एक ही रहेंगे, टू, वन और टू। थ्री के अगर मैं फैक्टर्स देखता हूं तो वन टू, सॉरी वन टू नहीं, इट्स ए मिस्टेक, वन एंड थ्री। अगर मैं फोर के फैक्टर्स अगर देखता हूं तो देखिए वन टू एंड फोर, मीन्स एटलीस्ट थ्री बोला गया है, यहां पे तीन फैक्टर आ रहे हैं, मीन्स वी कैन सी दैट फोर इज ए कंपोजिट नंबर। जैसे नंबर्स में अगर देखा जाए जीरो वन टू थ्री, ये छोटे नंबर्स है और सबसे पहला नंबर जिसके तीन फैक्टर्स है वो है फोर, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट फोर इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फोर ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद तो काफी सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके फैक्टर्स तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये देखा है कि फोर ये कैसा हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अपन किसे बोलेंगे, जैसे कि कोई एक नंबर अपन कंसीडर करते हैं, या फिर कोई एक नंबर जो कि p बाय q, जो कि p बाय q इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, वेयर p कॉमा q, p और q ये इंटीजर्स रहेंगे और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सच टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन अपन किस तरह से लिखेंगे, रैशनल नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है q से, q इज इक्वल टू सेट ऑफ p बाय q का सेट रहेगा जिसमें p और q ये दोनों नंबर्स ये इंटीजर रहेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखना है अपने को q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह से रहता है तो डेफिनेटली ऐसे नंबर्स को अपन रैशनल नंबर बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो कि अपन p बाय q इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे जो कि p बाय q इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो फिर उनको बोला जाएगा इरेशनल नंबर, उनको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है q कॉम्प्लीमेंट या फिर q डैश, q कॉम्प्लीमेंट या फिर q डैश, इसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर जो कि p बाय q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलो अगर कोई एक रैशनल नंबर कंसीडर करता हूं मैं और इरेशनल नंबर कंसीडर करता हूं, दोनों की अगर मैं एडिशन करता हूं, मान के चलिए टू ए रैशनल नंबर कंसीडर करता हूं मैं, टू ए रैशनल नंबर कंसीडर कर रहा हूं और इरेशनल नंबर मैं रूट टू कंसीडर कर रहा हूं, और इन दोनों की अगर मैं एडिशन करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है टू प्लस रूट टू, तो ये टू प्लस रूट टू इसको अपन इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। मींस एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एज प्लस इरेशनल नंबर, रिजल्टेंट विल बी इरेशनल नंबर। अगर दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, टू ये रैशनल हो गया, रूट टू ये इरेशनल हो गया, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रियल नंबर्स। नेक्स्ट है अपना रियल नंबर्स। तो देखिए अभी बेसिकली रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर आर, विच इज नथिंग बट विच इज ए सेट ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो अपन रियल नंबर्स को किस तरह से लिखेंगे, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया रियल नंबर्स, ये हो गए रियल नंबर्स। बेसिकली इन रियल नंबर्स को अपन नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, नेक्स्ट -1, -2, -3, -4 ये इस तरह से रहेगा। इनके बीच में जहां कहीं भी इरेशनल नंबर आपके वैल्यू रहेगी वो अपन यहां पे लिख सकते हैं, जैसे √2, 1 points, तो यहां पे ये इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए रैशनल प्लस इरेशनल विच इज नथिंग बट रियल नंबर्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका तो एक चैप्टर ही पढ़ना है JEE एग्जाम के अंदर, ये जो मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर एक चैप्टर ही पढ़ना है,
इसका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिखते अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट वन इज रियल पार्ट एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए सी से रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जेड से भी बोला जाता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, दैट इज ये जो ए है दिस वन इज द रियल पार्ट एंड ये जो बी है दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, ये आई के साथ जो जो भी होता है दैट इज ए इमेजिनरी पार्ट, इसे इमेजिनरी बोला जाता है, वेयर आई ये होता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन इन डिटेल में काफी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं बिकॉज इसका एक टोटल चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक, तो ये सारे के सारे हो गए अपने नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद है अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में इसमें अपन देखने वाले कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 और 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट में अभी अपन देखेंगे कि ये कोई भी नंबर इनसे, इन नंबर से कब कब डिवाइड होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल अभी अपन देखते हैं। जैसे 2, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, तो कोई एक अगर मैं नंबर कंसिडर करता हूं उसके यूनिट प्लेस, उसका यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड होता है तो डेफिनेटली अपन बोलेंगे कि वो जो कंप्लीट नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है वो 2 से डिवाइड होने ही वाला है। जैसे कोई भी नंबर अगर कंसिडर करता हूं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये अगर मैं नंबर कंसिडर कर रहा हूं इसके यूनिट प्लेस पे ये 8 है, अब ये 8 ये 2 से डिवाइड होता है तो डेफिनेटली ये जो कंप्लीट नंबर है ये 2 से डिवाइड होने ही वाला है। ठीक है, 3 की प्रॉपर्टी अगर देखता हूं मैं, 3 की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान के चलिए ये अगर मैं नंबर कंसिडर कर रहा हूं, इन नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स के अपन एडिशन करेंगे, इन सारे डिजिट्स के अपन एडिशन करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। इस नंबर, वो नंबर अगर 3 से अगर डिवाइड होता है तो डेफिनेटली ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर एडिशन करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो अपन ये बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखते हैं, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 प्लस 3 18 20 21 21 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कंप्लीट डिवीजन जा रहा है दैट इज 7। तो इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो डेफिनेटली मेरा आंसर आने ही वाला है, कंप्लीट डिवीजन होने वाला है। 3 4 12 3 1 3 3 1 3 1 is remaining 3 5 15 और 3 2 6 4 1 1 5 2 ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गई डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। नेक्स्ट देखता हूं 4। नेक्स्ट अपन देखेंगे 4, जैसे कोई भी एक नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे कोई एक नंबर कंसीडर करते हैं अपन, कोई एक नंबर कंसीडर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर कंसीडर करते हैं, उसके लास्ट टू डिजिट चेक करेंगे अपन, ये लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, ये लास्ट के टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो अपन बोलेंगे कि ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट टू नंबर्स अगर 4 से डिवाइड नहीं होते तो उस टाइम पे अपन ये बोलेंगे कि ये कंप्लीट नंबर भी 4 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, 2, 7, 6, 4, 8 अब ये नंबर देखिए, इसमें 4, 8 दैट इज 48, 48 को 4 का कंप्लीट डिवीजन होता है तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। देखते 4, 6 24 होता है, 3 बचेंगे यहां से, 36, 4, 9 36, 4, 1 4, 4, 2 8 कंप्लीट डिवीजन आ रहा है। मींस इसके अगर लास्ट के टू डिजिट अपन चेक करेंगे अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं
चार से, तो डेफिनेटली वो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट पांच, इसकी काफी इजी प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो या फिर फाइव है, जीरो या फिर फाइव, तो डेफिनेटली वो नंबर पांच से डिवाइड हो जाएगा। ओके, काफी सिंपल। सिक्स, अभी देखिए सिक्स की प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। सिक्स की प्रॉपर्टी, तो सिक्स ये टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ये दो नंबर्स का है, तो अगर वो कोई भी नंबर अगर टू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और थ्री की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली अपन वो बोलेंगे कि वो नंबर सिक्स से डिवाइड होता है। मान के चलिए कि कोई भी नंबर है वो टू की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन तीन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस टाइम पे अपन यही बोलेंगे कि वो नंबर सिक्स की सिक्स से डिविजिबल नहीं है। मीन्स सिक्स से अगर वो डिविजिबल रहना है तो डेफिनेटली उसने टू और थ्री दोनों इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एट। जिस तरह से अपन ने फोर की प्रॉपर्टी देखा था, फोर की प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि लास्ट के टू डिजिट अगर फोर से डिवाइड है तो डेफिनेटली अपन ये बोलते थे कि वो नंबर भी चार से डिवाइड होता है। ठीक उसी तरह से आठ से अगर आठ की प्रॉपर्टी अगर देखना है तो कोई भी नंबर उसके लास्ट थ्री डिजिट्स, उसके लास्ट थ्री डिजिट्स अगर आठ से डिविजिबल है तो डेफिनेटली अपन बोलेंगे कि वो नंबर भी आठ से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, नौ की प्रॉपर्टी, नौ की प्रॉपर्टी सिमिलर, तीन की प्रॉपर्टी जिस तरह से वैसे ही नौ की प्रॉपर्टी। तीन की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है उनके सारे नंबर में कोई भी नंबर के सारे डिजिट्स को अपन ऐड करते हैं और अगर वो तीन से डिविजन होता है तो वो नंबर भी तीन से डिविजिबल रहेगा। ठीक उसी तरह से सारे नंबर नंबर में जितने भी डिजिट्स है सारे डिजिट्स के अपन एडिशन करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को अपन नौ से डिवाइड करेंगे, अगर वो कंप्लीट डिविजन होता है तो डेफिनेटली दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय नाइन। ठीक है, 10 की प्रॉपर्टी सिंपल, वेरी सिंपल, सबसे इजिएस्ट अगर कोई है तो वो 10 की प्रॉपर्टी, लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो डेफिनेटली वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज 11th, 11 की प्रॉपर्टी। अब जैसे कोई भी नंबर कंसिडर करता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर है, इस नंबर में कुछ इवन प्लेसेस रहेंगे या फिर कुछ और कुछ ऑड प्लेसेस रहेंगे। सिंपल आप कंसिडर कीजिए अल्टरनेट प्लेसेस। ठीक है, इन सारी इसकी अपन एडिशन करेंगे, जैसे 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, इसकी अपन एडिशन करते हैं, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20। अब देखिए 20 और 16 इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 से डिविजिबल है, दोनों का डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल होने वाला आता है तो डेफिनेटली वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये सिंपल। ठीक है, तो ये अल्टरनेट करके आप ध्यान में रखिए, अल्टरनेट जो नंबर्स रहेंगे उनका आप एडिशन कीजिए, बाद में जो भी रिजल्टेंट आता है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। वो अगर नंबर 0 होता है तो काफी अच्छा, 0 नहीं होता है तो आप चेक कीजिए कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं, अगर वो 11 से डिविजिबल है इन दोनों का डिफरेंस तो डेफिनेटली वो कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो देखिए ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में लिया है मैंने, इन डिटेल नहीं बताया, तो कल के लेक्चर में फिर से ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये फिर से एक बार पढ़ते हैं इन डिटेल में। ठीक है, होप सो इन शॉर्ट में जितना भी मैंने बताया है डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं और यही मैं आशा करता हूं कि जो नंबर सिस्टम और जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये टॉपिक्स पढ़े हैं ये आपको समझ में आए होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये थोड़ा तो भी समझ में आया होगा और नेक्स्ट JEE पॉइंट ऑफ व्यू जो सिलेबस अपन ने देखा है उसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ओके, चलिए, तो थैंक यू क्लास।